अब लास्ट हम देखेंगे जो है नॉमिनल अकाउंट, थोड़ा बड़ा वीडियो हो गया है, बट समझने की कोशिश करें, यही बड़ा वीडियो है, उसके बाद तो सब आसान है। और याद रखें, चलिए मैं थोड़ी देर बाद ही बताता हूँ कि क्या याद रखिए। ओके, दूसरी चीज है नॉमिनल अकाउंट। नॉमिनल अकाउंट का मतलब है कि आपके ऑफिस में बहुत बार एक्सपेंस एंड लॉसेस भी होता है, तो ये जो एक्सपेंस एंड लॉसेस होता है वो आपको नॉमिनल अकाउंट के थ्रू सॉल्व करना है। अब क्या क्या होता है आप सोचे, पॉज करें वीडियो को, सोचे और फिर देखें रिजल्ट। लॉसेस होता है जैसे कि सैलरी बांटना, रेंट देना, कमीशन देना लेना, डिस्काउंट देना लेना, टैक्स, बराबर ड्यूटीज एंड टैक्सेस आप देते लेते हैं, बहुत भरमार है। प्रिंटिंग स्टेशनरी हो गया या ट्रैवलिंग एक्सपेंस हो गया, ऐसे बहुत सारा एक्सपेंसेस है आपकी कंपनी के अंदर जो आप नॉमिनल अकाउंट के थ्रू सॉल्व करेंगे। सो बेहद ही आसान सी चीज है। सो अब आगे देखते हैं, कुछ एंट्रीज भी ले लेते हैं इसकी। सो सबसे पहले एंट्री मैं लेता हूं, जैसे कि सैलरी पेड एज कैश टू रामू काका। आपने रामू काका को सैलरी पे किया, आप कितने की पे किया वो तो मैंने लिखा ही नहीं। सो एट द रेट ₹10,000, आपने 10,000 की पगार पे किया है रामू काका को। तो यहां पर एंट्री कुछ इस तरह से होगी, सैलरी अकाउंट डेबिट ₹10,000 और कैश आपके पास से जा रहा है, वेरी इजी। सो कैसे ये हो रहा है कि आपके पास डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, यानी कि सैलरी अकाउंट इज एन एक्सपेंस फॉर द बिजनेस, सो ये आपने डेबिट के थ्रू सॉल्व कर लिया। और कैश जो है ये रियल अकाउंट होता है, तो कैश तो गोज आउट है ये। यहां से एक चीज याद रखें कि जरूरी नहीं है कि अगर कोई एंट्री है तो उसे आप सिर्फ एक ही अकाउंट के थ्रू सॉल्व करें, कभी कभी तो दो तीन अकाउंट मिलाकर सॉल्व करना पड़ता है। जैसे यहाँ पे कैश जो है ये एक रियल अकाउंट है, तो इसे हमने सॉल्व किया है व्हाट गोज आउट रियल अकाउंट के जरिए से, यानी कि कैश मेरा जो है जा रहा है और सैलरी अकाउंट डेबिट है। नहीं तो आप कंफ्यूज हो जाते हैं कि क्रेडिट क्यों लिया है कैश, क्योंकि क्रेडिट में तो इनकम एंड गेन आता है। सो ये लॉजिक है जो आपको समझना पड़ेगा, इसलिए लोग कंफ्यूजन बहुत क्रिएट करते हैं एंट्रीज को सॉल्व करते वक्त। आइए दूसरी एंट्री देखें, पेड रेंट टू हीरा लाल एट द रेट रुपीज, चलो 15,000 का रेंट मैंने पे किया। सो ये भी वैसे ही आएगा, रेंट अकाउंट डेबिट एज अ लॉस फॉर द बिजनेस, और यहां पे आ जाएगा एज अ कैश। अब मैंने कुछ स्पेसिफाई नहीं किया है, तो आप वहां पे समझ लीजिए कि कैश ही है। वैसे तो जब आप किसी बिजनेस में काम करेंगे तो आपको तो अंदाजा भी हो जाएगा कि भैया कैश में पैसे दिए हैं या कैसे आपने पैसे लिए हैं। सो देखिए बड़ी इजी एंट्री, रेंट अकाउंट आपने डेबिट कर दिया बिकॉज आपके लिए नुकसान है वो। अब एक रेंट अगर आपने डेबिट किया तो दूसरा तो क्रेडिट ही होगा और वो कैश ही होगा, हीरालाल नहीं हो सकता। आप याद रखिएगा हीरालाल नाम नहीं लिखना है आपको, क्योंकि एक्सपेंस एंड लॉसेस की एंट्री में मोस्ट ऑफ टाइम कैश और बैंक होता है। आप किसी को उधारी पे आप ऐसे थोड़ी ना बोल सकते हैं कि भैया रेंट मेरे को देना है, रेंट देना है इसकी एंट्री नहीं हो सकती, रेंट दे दिया है इसकी एंट्री हो सकती है। एक इनकम की ले लेते हैं, इंटरेस्ट रिसीव फ्रॉम बैंक रुपीज, समझ लीजिए ₹545 आपको इंटरेस्ट मिला। अब बैंक से इंटरेस्ट मिला है फ्रॉम बैंक, सो बैंक से इंटरेस्ट मिला है आपको, सो आपके पास जो पैसे हैं वो डेबिट हो जाएंगे आपके अकाउंट में, बैंक अकाउंट डेबिट 545 और नीचे आएगा इंटरेस्ट अकाउंट। सो यहां पे कैसे हो गया डेबिट, व्हाट कम्स इन, ये देखिए कैश जो है आपके पास आया है, व्हाट कम्स इन, कैश ही, आई एम रियली वेरी सॉरी, आपके बैंक में पैसे जो है वो आए हैं, तो आपके अकाउंट में बैंक डेबिट हो गया क्योंकि आपके पास पैसे आए हैं। और इंटरेस्ट आ गया आपका इनकम, इंटरेस्ट एक्सपेंस एंड लॉसेस है, तो ये आप गेन हुआ है, वेरी इजी। सो ये था
आपके गोल्डन रूल्स। अब ये बहुत ही कंफ्यूजन भी क्रिएट करता है जब आप इसे और अलग अलग तरीके से सॉल्व करते हो। हजारों लाखों एंट्रीज हैं ऐसी, बट तरीका एक ही है, प्रैक्टिस कीजिए और बहुत अच्छे से समझ जाएंगे। सो अब क्या कीजिए, मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ। एक कोई किताब खरीद लीजिए 11वीं 12वीं की, या कोई अकाउंटिंग की, और अब उसमें आप देखिए कि कैसे जनरल एंट्रीज को सॉल्व करते हैं, थोड़ा और आपको आइडिया आएगा। मैं इतना ही बता सकता हूँ, क्योंकि ज्यादा लंबा इस वीडियो को नहीं कर सकते, क्योंकि ऑलरेडी ये वीडियो बहुत लंबा हो गया है। सो बेहद आसान है, और सबसे पहली चीज तो आप ये समझ लीजिए कि जब ये सारी चीजें हम टैली में करेंगे तो वो तो बहुत ईजी है। ये तो मैंने बस एक एग्जाम्पल, या मैंने बस एक कंप्यूटराइज्ड अकाउंटिंग के अपोजिट जो है मैनुअल अकाउंटिंग, उसे बस समझाने की कोशिश की है। एक्चुअली में टैली में करना बहुत आसान है। तो आप अगला वीडियो देखिए और जानिए टैली में कैसे आसान है ये। प्रैक्टिस कीजिए, अगला वीडियो देखने से पहले इन सब चीजों को जानने की कोशिश करें। अगर ये सारी चीजें आपके माइंड में बैठ जाती है अच्छी तरह से, तो आप फिर आप अगले वीडियो पे जंप कीजिए। आप वैसे जरूरी नहीं कि आपको सारी चीजें आज के आज ही बिठानी है, आप हल्का सा बिठा दीजिए। आप सिर्फ गोल्डन रूल्स आपके दिमाग में बिठा दीजिए, डेबिट क्रेडिट क्या है, रियल अकाउंट क्या है, पर्सनल क्या है, और फिर आप अगली वीडियो पे जंप कीजिए। सो थैंक यू सो मच, इस वीडियो में इतना ही, आगे बढ़ते हैं अगले वीडियो की तरफ।